नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। रुक करते हैं बड़ी खबर का। मथुरा से बड़ी खबर सामने है। कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से सामने आ रही है। आपको बता दें, कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन के लिए अतिक्रमण पर रोक लगाई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया है। वहीं मामले में अगली सुनवाई 1 हफ्ते के बाद तय की गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और केंद्र को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से निकलकर सामने, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और केंद्र को नोटिस जारी किया है। कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों के लिए अतिक्रमण पर यह रोक लगाई है। कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी गई है। 10 दिनों के लिए रोक लगाई गई है। साथ ही इसी खबर पर मनोहर पटेल हमारे संवाददाता मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो 10 दिनों के लिए कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी गई है, क्या कुछ ये पूरा वाकया है, समझाइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, 13.37 एकड़ भूमि को लेकर के तमाम याचिकाकर्ताओं ने अतिक्रमण हटाने को लेकर और जो कृष्ण जन्म स्थान को अपनी भूमि वापस करने को लेकर याचिका डाली थी, जिसमें की एक जो पक्ष है कृष्ण पक्ष वो सुप्रीम कोर्ट गया था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो की सुनवाई हो रही है, जिसको लेकर के फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाई गई। जी, साथ ही ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग को लेकर जो याचिका दायर की गई थी, उसके बाद से ये जो अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाई गई है, कहां जाता हुआ पूरा मामला फिलहाल ये नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि सभी दर्शक जानते हैं कि कहीं ना कहीं ज्ञान भाटी का जिस तरह से आदेश हुआ है एएसआई सर्वे का, उसी तर्ज पर जो की मथुरा शाही मस्जिद का भी सर्वे होना चाहिए, क्योंकि हिंदूवादी पक्षकारों का साफ तौर से कहना है कि उसमें जो साक्ष्य है वो हिंदूवादी साक्ष्य उसमें भी छुपे हुए हैं, कहीं ना कहीं एएसआई सर्वे से सारी हकीकत सामने आएगी, जिसको लेकर के अलग अलग जो याचिका करता है वो अपनी जो बातों पर मजबूती के साथ में जवाब दे रहे हैं। वहीं एक जो पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट गया था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज फिलहाल उस फिलहाल रोक की बात कही है। जी साथ ही मनोहर, आपसे जानना चाहूंगा, रेलवे और केंद्र को सुप्रीम कोर्ट ने जो ये नोटिस जारी किया है, नोटिस में क्या कुछ किन बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अगर अतिक्रमण की फिलहाल बात करें, रेलवे की जो भूमि है उसको खाली कराने को लेकर फिलहाल जो वहां पे लगभग 150 मकान है उनको बिल्डोजर चला दिया। वही अगर बात करें तो जो लोग वहां रह रहे थे उनको एक अलग भूमि देने का प्रशासन की ओर से वादा किया गया है, तो उनको एक अलग से एक जगह दी जाएगी जहां पर वो अपनी मकान बनाकर रह सकेंगे। जी साथ ही मामले में जो अगली सुनवाई है वो 1 हफ्ते के बाद तय की गई है, तो जो 1 हफ्ते बाद ये सुनवाई होने वाली, इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है मनोहर? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये तो कोई भी निर्णय तय करेगा कि आखिरकार कोर्ट किस तरफ कहां बदलता है, क्योंकि जिस तरह से हिंदूवादी पक्षकारों का ये भी साफ तौर से कहना है कि मस्जिद के अंदर हिंदू साक्ष्य मौजूद है, वहीं जिस तरह से ज्ञान बाबी के अंदर भी हिंदू साक्ष्य निकले थे उसी तरह से इसका भी जो शाही मस्जिद का भी सर्वे होना चाहिए, जिससे कि सारी हकीकत सामने आएगी। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू पक्षकार है वो इस बात का आकलन करे हुए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं जो कोर्ट है वो कहीं ना कहीं हिंदू पक्षकारों की तरफ फैसला अपना सुना सकता है। जी साथ ही मुस्लिम जो पक्ष है, मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है इस फैसले के बाद, क्या कुछ स्थिति फिलहाल घटनास्थल पर देखी जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें मुस्लिम पक्षकारों की, तो कहीं ना कहीं प्लेसेस ऑफ बर्थ फैक्ट को सामने लेकर के अपनी ढाल बना करके कोर्ट में मजबूती के साथ में अपना जवाब देते चले आ रहे लगातार मजबूती के साथ में, जिसमें कि तमाम बिंदियों पर मजबूती के साथ में वो भी अपना जवाब दे रहे हैं, और इसी के चलते कहीं ना कहीं कोर्ट ने यह डिसीजन लिया है। जी साथ ही जो ज्ञानवापी मामला है, अगर उसे भी इस मामले को जोड़कर देखें तो ये दोनों ही मामले फिलहाल किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं मनोहर? जी बिल्कुल, अगर ज्ञान बापी से अगर जोड़कर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हिंदू पक्षकारों का यह कहना है कि क्यों मुस्लिम पक्ष सर्वे कराने से पीछे हट रहा है, क्योंकि कृष्ण पक्षकारों का यह साफ तौर से कहना है कि कृष्ण की पुरानी जो जन्म स्थान है वो इस मस्जिद के अंदर है, जिसको अतिक्रमणकारियों ने उस पर कब्जा कर लिया था और अवैध तरीके से इस पर
शाही से मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसको लेकर के लगातार जो हिंदुवादी पक्ष है वो कोर्ट में अपनी दलील देते चले आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पक्षकार है उसका विरोध करते चले आ रहे हैं। जी, और हिंदू पक्षकार इस फैसले को किस तरीके से ले रहे हैं, आगामी दिनों में और क्या कुछ अपडेट देखने को मिलेगी, क्या कुछ आगे ये जो अतिक्रमण है इसको हटाने पर जो रोक लगाई गई है, आने वाले दिनों में और कुछ क्या कुछ देखने को मिल सकता है मनोहर? जी देखिए, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ज्ञान भारती का जो सर्वे हुआ है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो सभी बात करता है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं संतुष्ट है। जो कोर्ट निर्णय लेगा वो कहीं ना कहीं हिंदू पक्षकारों की ओर ही लेगा। क्यों? कि उनकी ओर से लगातार कहा जा रहा है कि इसका भी सर्वे होना चाहिए, जिससे कि सारी हकीकत सामने आएगी और पूरी सच्चाई सामने आएगी। अगर एएसआई सर्वे में कोई जो साक्ष्य वो सामने नहीं आते तो पूरी तरह से इस मसले को छोड़ देंगे। अगर ये कहीं ना कहीं साक्ष्य अगर सामने आते हिंदू पक्षकारों के तो कहीं ना कहीं इसको इस लड़ाई को हम आगे तक ले जाने का काम करेंगे। जी मनोहर, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि साक्ष्य फिलहाल क्या कुछ मिले हैं जिसे लेकर हिंदू पक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि जैसे ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष में फैसले की मांग की जा रही है, वैसे ही कृष्ण जन्मभूमि को लेकर ऐसे क्या कुछ साक्ष्य हैं जो हिंदू पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर इस तरीके की अगर बात किया तो कहीं ना कहीं जो जिस समय मंदिर तोड़ा, अतिक्रमणकारियों के जरिए मंदिर तोड़ा गया था, कहीं ना कहीं उस समय की अगर बात करें तो आज भी जो मथुरा का संग्रहालय है उसमें उसकी सीढ़ियां और तमाम ऐसी जो मूर्तियां हैं वो मौजूद है। इसके अलावा मस्जिद के अंदर, शाही के मस्जिद के अंदर आज भी ऐसे साक्ष्य मौजूद है जिसमें कि त्रिशूल, दीपक और तमाम ऐसे साक्ष्य मौजूद है जिससे यह प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं प्राचीन काल में पहले यह हिंदू मंदिर मौजूद था। उसके अलावा एक आगरा में मस्जिद भी बताई गई है, उसकी सीढ़ियों में आज भी यहाँ की जो कलाकृतियां हैं वो तभी हुई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों के लिए ये रोक लगाई है। रुक करते हैं लखनऊ का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फॉरेंसिक विज्ञान के छात्रों से संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, सुनते हैं। आपको बता दें लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ फॉरेंसिक विज्ञान के छात्रों से संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको संदेश देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। लखनऊ से खबर सामने, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फॉरेंसिक विज्ञान के छात्रों से संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। फॉरेंसिक विज्ञान के छात्रों से सीएम योगी आदित्यनाथ का संवाद लखनऊ से आप लाइव देख रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ छात्रों से बात करते हुए उनके सवालों को सुनते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा जनता जो छात्र हैं उनके साथ उनकी बातचीत देखी जा सकती है। छात्रों से संवाद करते हुए लखनऊ से योगी आदित्यनाथ देखे जा सकते हैं। खबर लखनऊ से सामने, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छात्रों से संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। फॉरेंसिक विज्ञान के ये छात्र हैं जिनसे सीएम योगी आदित्यनाथ बातचीत करते हुए और उनके सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान के छात्रों से सीएम योगी आदित्यनाथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ से तस्वीरें सामने हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फॉरेंसिक विज्ञान के छात्रों से बातचीत करते हुए उनके सवालों को जानते हुए साथ ही उन्हें तमाम जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान के छात्रों से सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा को नया डीजीपी मिल गया है, शत्रुजीत सिंह कपूर राज्य के नए डीजीपी होंगे। राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी कपूर के नाम पर मोहर लगा दी है, वो पीके अग्रवाल की जगह लेंगे। अग्रवाल 15 अगस्त को रिटायर हो गए हैं। वहीं सरकार की तरफ से अगले ही दिन यानी 16 अगस्त को नए डीजीपी का नाम फाइनल कर दिया गया है।
खबर हरियाणा से सामने, जहां पर नए डीजीपी की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें, शत्रुजीत कपूर हरियाणा के नए डीजीपी होंगे, जिनके नाम का ऐलान आज ही किया गया, उनके नाम पर मुहर लगा दी गई है। वहीं पीके अग्रवाल की जगह ये नए डीजीपी लेते हुए नजर आएंगे। शत्रुजीत कपूर हरियाणा के नए डीजीपी होंगे, उनके नाम पर आज मुहर लगा दी गई है। पीके अग्रवाल की जगह नए डीजीपी लेने वाले हैं। पीके अग्रवाल का जो कार्यकाल था, पीके अग्रवाल बीते 15 अगस्त को ही रिटायर हुए हैं, जिनकी जगह हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर लेने वाले हैं। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मोदी सरकार पर नेहरू विरासत को नष्ट करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, जयराम रमेश यहां पर कहते हुए नजर आए, आज एक प्रतिष्ठित संस्थान को एक नया नाम मिला है। विश्व भर में प्रसिद्ध नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी अब प्राइम मिनिस्टर्स मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जब बात हमारे पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री की होती है, तो पीएम मोदी के पास भय और असुरक्षाओं का पिटारा रहता है। वहीं इस पर अब सियासत भी देखी जा रही है। जिस आदमी ने स्वतंत्रता संग्राम में एक युवा नेता इतना योगदान दिया, आज उसी प्रधानमंत्री के रूप में जिसने इस देश को आजादी दिलाई, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम बदलना एक कलंकपूर्ण अध्याय है नरेंद्र मोदी सरकार की। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल आज से वो जाना नहीं जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का नाम हट जाएगा। लाख कोशिश कर लो मोदी जी, आपकी सरकार कर ले, पर जितनी लंबी लाइन वो खींच के गए हैं ना, उन्हें आपकी दया की जरूरत नहीं कर पाती। नहीं देखो, ये तो एक कुंठा से भरी सोच है और कुछ नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू पर प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर एक संस्था बनती है और उनके कार्यकाल को दर्शाने के लिए उसके लिए एक म्यूजियम बनता है और एक संस्था और संगठन बनता है। और इतिहास में भी, खासकर आधुनिक इतिहास में काम करने में उसने एक अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। आपको प्रधानमंत्रियों के ऊपर और बाकी प्रधानमंत्रियों पर अगर कोई संस्था बनानी थी तो बनाते, कौन माना कि किसी चीज को दबाकर हटाकर, इसका मतलब है आपका कोई उद्देश्य किसी को प्रदर्शित करना नहीं था। एक पूछे पूरे स्वर्णिम इतिहास जो हिंदुस्तान का रहा है उसको दबाने की कोशिश करनी थी, और यही हम लोग बार बार करें। अब बनाइए ना म्यूजियम, म्यूजियम बनाने में क्या, किसी पे भी बनाइए। मैंने भी वो म्यूजियम देखा है, उसमें आप आश्चर्य के बाद देखिएगा कि खैर वो तो दूसरी बात है कि सरकार को पता ही नहीं है जवाहरलाल नेहरू की क्या, लेकिन फिर भी अगर आप देखिएगा तो शायद ऐसा लगता है कि अगर जितना काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था उससे शायद ज्यादा काम देवेगौड़ा ने अपने 16-17 महीनों में कर दिया होगा। नहीं, उसके पास भी, उनके पास बचा क्या है, सिर्फ नई बात कोई बना के नहीं, जो हमारी इतिहास की पुरानी यादें हैं, चाहे संसद हो चाहे मेमोरियल हो, एक तो बिल्डिंग के बदल दो या नाम बदल दो, लेकिन पंडित नेहरू का नाम जो इतिहास में है आप उसको नहीं बदल सकते। कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश की सोच और नरेंद्र मोदी की सोच में एक बुनियादी अंतर है। वो एकमात्र सोचते हैं कि जो है वो नेहरू जी हैं, परिवार है। नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने भारत के सारे प्रधानमंत्रियों का उस नेहरू स्मृति भवन में आदर का स्थान दिया। मैं भी गया हूं, लाल बहादुर शास्त्री को क्यों नहीं स्थान मिला? न इंदिरा गांधी थे, न राजीव गांधी थे, न मोरारजी भाई थे, न चरण सिंह थे, न अटल बिहारी वाजपेयी थे, न आई के गुजराल थे, न देवेगौड़ा थे। मोदी जी ने कहा जो भी भारत का प्रधानमंत्री है सबको स्थान मिलेगा। अभी तक मोदी जी ने स्वयं का अपना नहीं लगाया है। यह है मोदी जी की सोच, सबको साथ लेके चलना, सबको सम्मान देना। तो जब सारे प्रधानमंत्रियों का वो है तो प्रधानमंत्री स्मृति लाइब्रेरी बनी है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर देश के तमाम नेताओं के पुष्पांजलि अर्पित करने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सुशासन दिवस पर सबसे पहले लोकभवन में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।
इसके बाद आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में वाजपेयी जी की अभिलेख और चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इसके साथ ही अटल आवासीय योजना से जुड़ी जानकारी भी ली। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पांचवी पुण्यतिथि है। देश उन्हें नमन कर रहा है। बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य नेता सदैव अटल पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। वीवीआईपी ने अटल जी को याद किया और साथ ही पुष्प भी अर्पित किए। अटल जी करोड़ों दिलों पर राज करते थे और उनकी जो कार्यशैली थी, उनके जो निर्णय थे, उनका जो नेतृत्व था, वो देश ने लंबे समय तक देखा। संसद से लेकर सड़कों तक उनके काम को, और उनसे कई पीढ़ियों ने प्रेरणा ली है। अटल जी के जीवन से हम सबको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। हमें लगातार उनके जीवन ने प्रेरणा भी दी है और उनकी जो कार्यशैली थी, जो उनके निर्णय थे, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर भी मिला। हम आशा करते हैं उनके दिखाए राह पर कि विकास और गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट मॉडल जो है, सुशासन और विकास, उस पर हम आगे भी लगातार चलते रहे। देखिए, राष्ट्रीय राजनीति के शिखर पुरुष श्रद्धेय अटल जी जो अदम्य साहस का प्रतीक थे और एक प्रखर चेतना के पुंज थे, निश्चित ही आज भारतीय जनता पार्टी को जो राष्ट्र सेवा का अवसर मिला है, उस अवसर के पीछे और भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में स्वर्गीय अटल जी का अद्वितीय योगदान है, अभूतपूर्व योगदान है, न भुलाया जा सकने वाला योगदान है। उनकी ये चेतना कि हम देश के सामान्य मानवी के जीवन को परिवर्तित करके ही देश को परिवर्तित कर सकते हैं, उसी चेतना पर भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रवाहित होते हुए आज काम कर रही है। हम सब लोगों ने आज आकर यहां अटल जी को अपने प्रिय नेता, जिनके साथ में मेरे जैसे देश के लाखों लाख कार्यकर्ता एक सहज जुड़ाव और संबंध अपनापन का महसूस करते थे, उन सबको श्रद्धा से मन अर्पित किया। सर, वाजपेयी जी ने हमेशा से करप्शन के इशू को उठाया है, हमेशा से इस पर बात करी है, उसी को ही पीएम मोदी ने कल रेड फोर्ट से भी बोला, लेकिन ऑपोजिशन अलग अलग तरह के स्टेटमेंट कर रहा है। इतना है कि ये स्थान नहीं है कि जहां मैं किसी राजनीतिक विषय पर टिप्पणी करूं, लेकिन निश्चित ही और बहुत लोग आए, आप देख रहे हैं, श्रद्धांजलि देने, संगीत में श्रद्धांजलि भी अभी दी गई, सभी आए और हमारे एनडीए के साथी भी बड़ी संख्या में आए, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही बहुत विराट था। जो पॉलिसी रही है करप्शन को हटाना है और जिस तरह के जो उनके मार्क्स हैं उन्हीं पर ही बीजेपी आज तक काम कर रही है। कल भी पीएम ने वहीं से करप्शन के बारे में बोला, लेकिन ऑपोजिशन ने क्वेश्चन किया कि इट्स ऑल जस्ट द शो। देखिए, श्रद्धेय अटल जी का जहां तक सवाल है तो उनकी लोकप्रियता दल से ऊपर उठकर थी। सभी राजनीतिक दलों के नेतागण अटल जी को मानते थे, उनकी बातों को गंभीरता से सुनते थे और उनके प्रशंसक थे, और इसीलिए उनके लिए कहा जाता है कि वो अजात शत्रु थे। निश्चित रूप से उन्होंने देश को जो राह दिखाई है उस पर हम सभी को आगे बढ़ने का काम भी करना चाहिए। देखिए, ऑपोजिशन पूरी तरीके से निराश है, हताश है, और वो जानते हैं कि 2024 में भी देश की जनता उन पर यकीन नहीं करेगी और सत्ता में उनकी वापसी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक हताश ऑपोजिशन बौखलाहट में कुछ भी कह रहा है, लेकिन देश की जनता पूरी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास रखती है और 2024 में एनडीए अपनी हैट्रिक बनाने जा रहा है। हम के संस्थापक जीतन राम मांझी ने कहा कि मोदी जी अपनी पार्टी के पास बहुमत होने के बावजूद सभी को साथ लेकर चलने की उदार कोशिश करते हैं। आने वाले दिनों में उन्हें फिर से पूर्ण बहुमत मिलेगा। वह वाजपेयी जी की तरह ही संपूर्ण विकास करना चाहते हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि खड़गे अहंकारी हैं, उनके पास कोई आधार नहीं है। जहां भी भाजपा सरकार में नहीं है वहां भ्रष्टाचार है। 1700 करोड़ रुपए से बने पुल डूब रहे हैं, चारों तरफ हत्या है, ऐसे में वे धार्मिक राजनीति करते हैं जबकि मोदी जी की बात करते हैं।
एक देश के रूप में एक साथ चलने के बारे में। नीतीश जी को यह सोचने की जरूरत है कि वह अलग क्यों है। अटल जी ने इन्हें इतना सम्मान दिया और इतना प्यार दिया, उन्हें सोचने की जरूरत है कि आज वह उन लोगों के साथ हैं जिन्हें उन्होंने जंगल राज का हिस्सा बताया था। कहने को तो कोई भी कह सकते हैं, इसीलिए तो उनको घमंडिया हम लोग करते हैं। उनका क्या आधार है, किस आधार पर वो करते हैं? आज अगर देश में कहा जाए, और खास करके वैसे राज्यों में जहां भाजपा की सरकार नहीं है, और खास करके बिहार में आज भ्रष्टाचार है, आज वहां एस्टीमेट घोटाला है, देख रहे हैं 1700 करोड़ रुपए का पुल बना है और धंस जा रहा है, पदाधिकारियों बिना घूस के कोई काम नहीं कर रहे हैं, मर्डर पर मर्डर हो रहा है, तो वैसी परिस्थिति में उन लोग एक जात की राजनीति करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी जात की बात नहीं करते हैं, जमात की बात करते हैं, समूचे देश को एक करके चलने की बात करते हैं। ये नरेंद्र भाई मोदी जी का उदार विचार का एक चिन्ह है कि सबको लेकर के चलने की बात करते हैं। आज उनको बहुमत है, किसी तरह की जरूरत नहीं है, और आगे आने वाला दिन में भी पूर्ण बहुमत उनको मिलेगा। लेकिन वो सब समाज के लोगों को, सब क्षेत्र के लोगों को लेकर के भारत का संपूर्ण विकास करना चाहते हैं, इसलिए सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। और यही मंशा अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरण चिन्हों पर चलने का एक संकल्प इन्होंने लिया है और उसके आधार पर चल रहे हैं, तो ये काबिले तारीफ है। अब अलग हैं तो उनको सोचना चाहिए कि क्यों अलग है। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको तो बहुत प्यार दिया था, मोहब्बत दिया था, सारी बात दी थी, और उसके बाद भी अगर वो अलग हैं तो उनको सोचना चाहिए। और वैसे लोगों के साथ हैं जिनको उन्होंने कहा था कि जंगल राज चला रहे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार के ये सजा बंद है और ये जमानत पर हैं, वैसे लोगों के साथ रह करके अपने छवि को बर्बाद कर। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, इंडिया वॉइस पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। नमस्कार।